हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम है आपका मेरे चैनल पे यूट्यूब और जस्ट इंग्लिश क्लासेस। ओके, तो गाइज़ कैसे हो आप सभी लोग और तैयारी कैसी चल रही है आपकी। आई होप अच्छे से आप पढ़ रहे हैं और अच्छे से गाइज पढ़ते रहिए, यही आपको करना है। गाइज़ गला बहुत ख़राब हो रहा है, पता नहीं काफ़ी टाइम हो गया है, दवाइयाँ बहुत ले चुकी हूँ लेकिन काम ही नहीं चल रहा। कुछ ऐसा बता दीजिए आप यार, होम रेमेडी की इसमें थोड़ा फ़र्क लग जाए। बहुत परेशान हूँ सच में गले से, ना बहुत दिक्कत हो रही है और दवाई लेने का मन नहीं है अभी और ठीक ही हो नहीं रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत है। चलिए खैर, हमारा जो पार्ट टू है आज पीबी शैली का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। मैं बार बार कह रही हूँ, मोस्ट एक्सपेक्टेड है, पहले भी बहुत बार एग्ज़ाम में आ चुके हैं, डिफरेंट डिफरेंट एग्ज़ाम्स में, और आगे भी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है इनके आने की। ठीक है, तो इनको आपको करना ही करना है, इनको एम ही मत समझिए बिल्कुल भी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आपको यही कह रही हूँ। ठीक है, इनको नहीं किया तो कुछ नहीं किया आपने, समझ लीजिए। चलिए गाइस शुरू करते हैं हमारा वीडियो, है ना। इससे पहले अगर नए चैनल पे आप हो, अब से पहले नहीं देखी मेरी वीडियो तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अभी से, एंड जो मेरे ऑडियंस हैं वो प्लीज़ लाइक शेयर, और जो नए हैं वो भी, है ना, सभी मिलकर के लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट से, और फिर हम अपना स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। ओके, चलिए गाइस सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। स्प्रिंग्स रिजुवेनेटिंग पावर्स ऑफ क्विकनिंग अ न्यू बर्थ इन शेलीज और टू द वेस्ट विंड इज फर्स्ट मेंशन थ्रू द इमेज ऑफ। यहाँ पे बात हो रही है सॉरी, स्प्रिंग्स रिजुवेनेटिंग पावर्स ऑफ क्विकनिंग अ न्यू बर्थ, है ना, अ न्यू बर्थ इन शेलीज और टू द वेस्ट विंड इज फर्स्ट मेंशन, किस इमेज के द्वारा सबसे पहले न्यू बर्थ को मेंशन किया गया है। द वॉल्टेड वेस्ट इज क्या है गाइज, सेपल्चर, क्या पढ़ेंगे आप इसको, सेपल्चर ऑफ कॉन्ग्रीगेटेड माइंड, और लल्ट कॉयल ऑफ द क्रिस्टालिन स्ट्रीम्स, क्लैरियन कॉल ऑफ द एज्योर सिस्टर दैट फिल्स द हिल्स एंड प्लेन्स, या फिर वर्ल्ड्स ऑफ क्रिस्टलाइन कॉयल्स कॉयल्स, कौन सा इसमें आपका आंसर रहेगा। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपका आंसर सी हो जाने वाला है, ये क्लैरियन कॉल ऑफ द एज्योर सिस्टर। यहाँ पे देखिए, एज्योर सिस्टर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्योंकि एज्योर सिस्टर कहा गया है ना वेस्ट विंड के साथ। चलिए, तो ये था हमारा यहाँ का, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं यार। ओके, कोई नहीं। द ऑटमनल टोन दैट शेली विशेस टू रेप्लिकेट थ्रू हिज वर्स इज, जो ऑटमनल टोन है दैट शेली वे करती है रेप्लिकेट थ्रू हिज वर्स इज, वो फियर्स एंड कॉम्पिटिटिव है, ग्रॉन ग्रे विद फियर है, स्वीट दो इन सैडनेस, या फिर सेपल्क्रल एंड सेडिक्टिव, क्या है वो गाइज, क्या आपको यहाँ पे मार्क करोगे। तो देख लीजिए, सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, राइट, सी नहीं सॉरी, हाँ हाँ सी ही होएगा गाइज, सी ही होएगा, हाँ तो सी ऑप्शन आपका ट्रू हो जाएगा बिल्कुल, स्वीट दो इन सैडनेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। द वर्ल्ड स्प्रिट इन ऑर टू द वेस्ट विंड इज कॉल्ड डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर, बिकॉज यहाँ पे वेस्ट विंड को डिस्ट्रॉयर कहा गया है, प्रिजर्वर कहा गया है, बिकॉज क्योंकि प्रिजर्वर, देखिए प्रिजर्व भी करती है और डिस्ट्रॉय भी करती है, तो दोनों ही चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। तो यहाँ पे एक तरीके से ऑक्सीमोरॉन है, ऑक्सीमोरॉन भी है, या फिर आप एंटीथेसिस इसको कहें, जो भी है। तो इट कॉजेज लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन, इट प्रिजर्व्स एवरीथिंग, इट मेक्स द एक्साइटिंग लीव फॉल एंड कीप्स द सीड्स सेफ इन विंटरी बेड टू स्प्राउट अगेन इन स्प्रिंग अगेन। तो यहाँ पे इट इज़ वर्ल्ड स्विफ्ट एंड डेंजरस, तो यहाँ पे भी आपका सी ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है इसके लिए, इस लाइन के लिए। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। शेलीज द चेंची इज, यहाँ पे एक वर्क है शेली का, चेंची, तो ये एक प्ले है, लिरिक है, ओड है, या फिर एलेजी है, क्या कहेंगे आप इसको। ठीक है, फाइव एक्ट वर्स ट्रेजेडी है ये, द चेंची, सेंसी नहीं पढ़ेंगे इसको, चेंची पढ़ेंगे आप लोग, है ना। तो यहाँ पे जो चेंची की बात करें, अगर चेंची की हम लोग बात करें, तो कब आई थी ये पब्लिश हुई थी लंदन में 1819 में, कब पब्लिश हुई थी 1819 में लंदन में पब्लिश कराया गया था इसको, और कितने हैं इसमें, फाइव एक्ट है, ये भी आपको याद रखना है। और क्या बता सकते हो उसके बारे में, तो फर्स्ट स्टेज प्राइवेटली, इसको ना स्टेज प्राइवेटली स्टेज भी किया गया था, मतलब स्टेज पे भी इसको दिखाया गया था बाय शेली सोसाइटी इन 1886, कब 1886 में। ओके, चलिए, और ये थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा मॉडल है किसकी, ट्रेजरी का, जो हमारे शेक्सपियर थे उनकी ट्रेजरी का थोड़ा थोड़ा ये उनको फॉलो करती है कैरेक्टर्स वगैरह को। चलिए, आई फॉल अपॉन द थोन्स ऑफ लाइफ, आई ब्लीड इन विच पोयम,
और डज दिस लाइन ऑकर्स, यहाँ पे डी ऑप्शन ही नहीं है, कोई बात नहीं है अगर नहीं है तो। यहाँ पे शायद गाइज मुझे ऐसा भी लग रहा है कि मैंने आपको पिछली लाइन में ना कुछ और बताया है इसका, शायद टू अ स्काईलार्क बताया है, लेकिन यहाँ पे ना इसका आंसर होगा और टू वेस्टमिन, है ना गाइज। कभी कभी गाइज हो जाता है, ये शायद पहली वीडियो में भी आया है और इसीलिए मैंने ये इसमें भी लिया है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वहाँ पे मैंने आपको टू अ स्काईलार्क बताया है, बट इसका जो सही आंसर है ना वो और टू द वेस्टमिन है। इसको आपको याद रखना है, कब आई थी और टू द वेस्टमिन, हाँ 1819 में आई थी, फ्लोरेंस इटली के पास में। ओके चलिए नेक्स्ट जो हमारा बनता है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मिसमैच, यहाँ पे गलत कौन सा है, विलियम वर्ड्सवर्थ द ग्रीन लिनेट ये तो इनका है, विलियम वर्ड्सवर्थ द कुकू ये भी इन्हीं का है, विलियम वर्ड्सवर्थ टू द स्काईलार्क या फिर टू अ स्काईलार्क। ये गाइज यहाँ पे जो मिसमैच है, विलियम वर्ड्सवर्थ टू अ स्काईलार्क, यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ भी होना चाहिए, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि टू अ स्काईलार्क विलियम वर्ड्सवर्थ का नहीं है, ये हमारे किसका है, पी बी शैली का है। ओके तो डी ऑप्शन इज राइट हियर, यानी कि ये हमारा पी बी शैली का है, जबकि यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ था वो मैं लिख नहीं पाई हूँ, ठीक है कोई बात नहीं। विच स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है इनमें से, द अनफिनिश्ड वर्क, आपको पता है कि ट्रियम्फ ऑफ लाइफ जो है वो शैली का अनफिनिश्ड वर्क है, लेकिन ये बता रहा है कि डेरिव्ड मेट्रिकली एंड थीमेटिकली फ्रॉम डांटे एंड पेट्रार्क से इसको डराइव किया गया है। दूसरा है द सब टाइटल ऑफ एडोनिस इज द स्प्रिट ऑफ सॉलिट्यूड, इसका सब टाइटल जो है एडोनिस का वो स्प्रिट ऑफ सॉलिट्यूड है, सरासर गलत है गाइज, बिल्कुल सरासर गलत है और यही गलत है। तो सी को देख लीजिए, हेलास जो है इंस्पायर्ड, ये ग्रीक रिबेलियन अगेंस्ट ऑटोमन रूलर्स से इंस्पायर्ड है, प्रोफेसिस अपॉन द कर्टेन इफ फ्यूचरिटी, और डी में बात करें कि जो अलास्टर है वो सैली हैड प्रेजेंटेड एन अकाउंट ऑफ द क्विस्ट ऑफ अ यंग पॉइंट। ओके तो यहाँ पे जो गलत आंसर होगा वो हमारा बी हो जाएगा, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि स्प्रिट ऑफ सॉलिट्यूड एडोनिस का बिल्कुल भी नहीं है, ये अलास्टर का सबटाइटल है, किसका सबटाइटल है, ये अलास्टर का। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा गाइस, द लिरिकल ड्रामा हेलास बेसिकली इंस्पायर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, अभी अभी तो आया है ना, अभी अभी आया है ये बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन में, तो यहां पे किसकी बात करेंगे हम लोग। चलिए गाइस तो यहां पे हम लोग अगर बात करें तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा आई थिंक, क्योंकि अभी अभी बताया गया है इसके बारे में, तो बी ऑप्शन द ग्रीक वार ऑफ लाइब्रेशन। चलिए और हेलास कब आया था ये भी बता दीजिए आप मुझे, कब आया था ये एक वर्स लिरिकल ड्रामा है, इसको भी आपको याद रखना है, मैंने क्या बताया था अभी, जो वर्स ट्रेजरी है वो सेंचेंची है और ये वर्स ड्रामा है ये भी, ये लेकिन ये लिरिकल ड्रामा है। ओके लिरिकल ड्रामा है और कब लिखा गया था इसको, 1821 में, और पब्लिश कब कराया गया था, वन सेकेंड गाइज, हाँ पब्लिश कब कराया गया था इसको, 1822 में इसको पब्लिश करा गया, यानी कि डेथ ईयर थी ये, डेथ ईयर भी थी मतलब पी बी शैली की। ओके चलिए, लाइक अ हाई बोर्न मैडन इन अ पैलेस टावर सूदिंग हर लव लेडन सॉल इन सीक्रेट आर विद म्यूजिक स्वीट इज लव विच ओवरफ्लोज हर बॉबर। तो यहाँ पे जो ये लाइन है ये यहाँ पे किसको डिस्क्राइब करती है, सन को, मून को, गॉड को या टू अ स्काईलार्क को, किसको यहाँ पर ये करती है गाइज। तो मेरे हिसाब से क्या हो जाना चाहिए आपका, हाँ बता सकते हैं आप लोग, टू अ स्काईलार्क, डी ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना टू अ स्काईलार्क को कहा गया है यहाँ पे, क्योंकि लाइक अ हाई बोर्न मैडन इन अ पैलेस टावर सूदिंग हर लव लेडन सॉल इन सीक्रेट आर विद म्यूजिक स्वीट इज लव विच ओवरफ्लोज हर बॉवर। ओके चलिए नेक्स्ट क्या बनता है गाइज, एज अ पोएट कॉन्ट्रीब्यूटेड अ न्यू क्वालिटी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, अ क्वालिटी ऑफ आइडेंटिटी, फ्रीडम एंड स्पिरिचुअल ऑडासिटी। तो ये किसके बारे में बात है, ये पी बी शैली के बारे में कही गई है, हमारी जो बात है ये पी बी शैली के बारे में कही गई है। ओके चलिए गाइज नेक्स्ट पे चल रहे हैं हम लोग, और नेक्स्ट थोड़ा क्वेश्चन है, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ ऑड टू द वेस्टविन, यहाँ पे ऑड टू वेस्टविन बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है इनकी, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेंगे, तो इसको आपको एक एक क्वेश्चन को ढंग से देखना है गाइज। तो यहाँ पे जो ए बी ए ए बी बी है, ए बी ए बी है, ए बी ए बी बी है, या फिर ए बी ए बी सी है, तो कौन सी यहाँ पे राइम स्कीम होनी चाहिए इनका ये जो प्ले है इसकी, ठीक है जल्दी से बता दीजिए, यानी कि 40 ये जो है हमारा 11, इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, सी ऑप्शन। ओके सी ऑप्शन इज राइट ही है, यानी कि ए बी ए बी बी ये इसकी राइम स्कीम हो जाएगी, ठीक है ना। कब आई थी, 1820 में पब्लिश हुई थी, याद रखना है 1820 में पब्लिश हुई थी। चलिए
टू सफर वूज विच होप थिंग्स इनफिनिट इज रिटन बाय, टू सफर वूज विच होप थिंग्स इनफाइनाइट इज रिटन बाय, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये यहाँ पे शैली की ही बात करेंगे हम लोग, शैली को पढ़ रहे हैं। ओके चलिए नेक्स्ट क्या बनता है गाइज। और ये जो लाइन है ना, एक और बता दूँ इसके बारे में थोड़ा, ये जो लाइन है ना आपकी, ये आई थी जो प्रोमेथियस अनबाउंड, इनका एक लिरिकल ड्रामा था, ये भी एक लिरिकल ड्रामा था, मैं बता दूं आपको। प्रोमेथियस अनबाउंड तो 1820 में ये पब्लिश हुआ था, और इस उसी की लाइन थी ये, उसी में ये लाइन है। ठीक है, लाइफ लाइक अ डोम ऑफ मैनी कलर्ड ग्लास स्टेन्स द वाइट रेडियंस ऑफ एटर्निटी अंटिल डेथ ट्रम्पल्स इन इट इन टू फ्रेग्रेंस अबोव लाइन ओकर। कहाँ से ओकर होती है ये लाइन? डिजेक्शन एंड नॉट एडोनिस इन मेमोरियम या फिर थर्सिस, कहाँ पे ये लाइन आपको मिलेगी कि लाइफ लाइक अ डूम ऑफ मैनी कलर्ड ग्लास। देखिए मैनी कलर्ड ग्लास की तरह एक जो है ये डूम होती है लाइफ, स्टेंस द वाइट रेडियंस ऑफ एटर्निटी अंटिल डेथ ट्रम्प इनटू फ्रेग्रेंस। तो कहाँ से ये लाइन ली गई है? बहुत प्यारी लाइन है, बता दीजिए फटाफट से। तो ये जो आप ऑप्शन हो जाएगा आपका बी राइट हो जाएगा, एडोनिस। कहाँ की ये लाइन है? एडोनिस की, जो कि 1821 में आई थी और जॉन किट्स के डेथ पर इन्होंने लिखी थी। तो कौन सी है? बी ऑप्शन इज राइट हियर। नेक्स्ट पे गाइस हम लोग चलते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पोम बिगिंस विद द लाइन, ये कौन सी पोएम है जो इस लाइन से स्टार्ट हो रही है? हेल टू द ब्लिड स्प्रिट बर्ड थॉट नेवर वर्ट, तो और टू नाइटिंगल है, टू द कुकू है, टू अ स्काई लार्क है, या फिर टू अ डेजी है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, टू अ स्काई लार्क की हम लोग बात करेंगे। स्काई लार्क कब आई थी? 1820 में आई थी, फिर से बता दूँ 1820 में आई थी गाइज। ओके तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है ये हमारा राइट हो जाएगा। शेली वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ड्यू टू द पब्लिकेशन ऑफ, यहाँ पे जो सबसे पहला वक्त था इनका ये माना जाता है, ये जो जो अभी जिसकी बात हो रही है, जिसकी वजह से इनको ऑक्सफोर्ड से निकाल दिया गया था, तो यहाँ पे एक पैम्फलेट इन्होंने छपवा दिया था, तो उसी की वजह से इनको एक्सपेल कर दिया गया था यूनिवर्सिटी से। तो कौन सा है वो? द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म, द ट्रम्प ऑफ लाइफ, या फिर द मास्क ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म। तो इसी की हम लोग बात करेंगे। ओके कब आया था ये? 1811 में। और हाँ, इनका एक फ्रेंड भी था, थॉमस होग। क्या नाम था उसका? सबसे पहले तो बता दूँ 1811 में आया था, और थॉमस होग नाम का एक इनका मित्र था। उस मतलब दोनों को उसने तो एक तरीके से माफ़ी मांग ली थी फिर भी, है ना, तो उसको तो जो है दोबारा से वहाँ पे एंट्री मिल गई थी, लेकिन इन्होंने माफ़ी नहीं मानी थी। थोड़े आपको पता ही है कि ये थोड़े गुस्से वाले इनको कहा जाता है, पीवी शैली को, है ना। तो ये कुछ पैम्पलेट भी ऐसा ही था, है ना, भड़काऊ टाइप। तो यहाँ पर ये इसीलिए इनको निकाल दिया गया था। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट, इफ़ कम्स कैन बी फॉर फार बिहाइंड, तो कौन सा सही होगा? इफ़ विंटर कम स्प्रिंग भी फार बिहाइंड, इट ऑटम कम समर भी फार बिहाइंड, इफ विंड कम रेन्स फार बिहाइंड, स्प्रिंग कम विंटर फार बिहाइंड। तो क्या होगा? इफ़ विंटर कम्स स्प्रिंग बी कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, ये दो वर्ड जो इस लाइन को पूरा करते हैं। चलिए किसकी है ये लाइन ये भी बता दीजिए, और टू द वेस्ट विंड की लाइन है, जो कि कब आई थी? 1820 में। चलिए नेक्स्ट के जो क्वेश्चन है, टीच मी हाफ द ग्लैडनेस दैट दाई ब्रेन मस्ट नो, हुज लाइन्स आर दीज, ये किसकी लाइन है? टीच मी हाफ द ग्लैडनेस दैट दाई ब्रेन मस्ट नो, जॉन कीट्स की नाइटिंगल की, पी बी शैली की, टॉमस कैल की, विलियम वर्ड्सवर्थ की, द वे वैली की, या फिर रॉबर्ट ब्राउनिंग की, द ग्रामेरियन की। तो यहाँ पे पी बी शैली की स्काई लार्क की बात करेंगे हम लोग, इसी की ये लाइन है गाइस। ओके चलिए नेक्स्ट क्या बनता है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा हमारा? चलिए कोई बात नहीं है, चलिए ओके। सॉरी गाइस, हाँ ये भी 1820 में आई थी, बता दूं आपको एक बार फिर से, 1820 में आई थी। नेक्स्ट, पी बी शैली जूलियन एंड मडालो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है इनका, जूलियन एंड मडालो, अ कन्वर्सेशन है बिटवीन जूलियन एंड काउंट मडालो के बीच में। तो हु डज दिस कैरेक्टर रिप्रेजेंट, तो यहाँ पे जो दो कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, कीट्स एंड बायरन को, शैली एंड बायरन को, शैली एंड विलियम गॉडविन को, तो मैरी शैली एंड विलियम गॉडविन को। तो जो ये विलियम गॉडविन थे, ये पता है आपको कौन थे?
ये इनको गुरु भी मानते थे, जो पी बी शैली थे ना, ये इनको जो है गुरु भी मानते थे, एक तरीके से मेंटोर थे ये इनके। और इन्हीं की बेटी से इनको प्यार हो गया था, मैरी गुडविन से, उनसे शादी भी की थी इन्होंने, है ना। तो ये एक तरीके से ससुर भी हो गए इनके। चलिए तो यहाँ पे बात करेंगे हम शैली एंड बायरन की, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे जो जूलियन है वो शैली है और मडालो जो है वो बायरन है, ठीक है। नेक्स्ट जल्दी से चलते हैं। और हाँ ये भी बता दीजिए, एक सेकेंड, ये भी बता दीजिए कि ये जो वर्क है ये कब आया था इनका, ये कन्वर्सेशन है 1818 से 90 की बात करेंगे हम लोग, 1819 कह लीजिए या 1818 से 1890 के बीच में ये आया था, है ना। ये एक पोयम है जो कि कितनी लाइन की है, 617 लाइन है इसके अंदर, इस पोयम के अंदर। और क्या बता सकती हूँ इसके बारे में, हाँ पब्लिश हुई थी ये 1824 में ये पब्लिश हुई थी। ओके चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मास्क ऑफ एनर्की बाय शैली। शैली का एक वर्क है मास्क ऑफ एनर्की, तो ये क्या है, ये पास्टोरल अबाउट द इविल्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, या फिर अ पोयम अबाउट द करप्शन रैम्पेंट इन यूरोप, अ प्ले अबाउट द सिविलाइजेशनल क्राइसिस इन यूरोप, या फिर अ पोयम ऑफ पोएटिकल प्रोटेस्ट रिटन इन रिस्पॉन्स टू पीटरलू मैसेकर। मैसेकर को होता है गाइज नरसंहार, जहाँ पे सारे लोगों की हत्या हो जाती है, तो ये एक नरसंहार था बहुत बड़ा पीटरलू। तो यहाँ पे इसकी बात करेंगे हम लोग, ऑप्शन डी ही सही हो जाएगा इसमें, जहाँ भी आपको मास्क ऑफ एनर्की की बात हो, तो अगर पीटरलू कोई ऑप्शन आ रहा है तो आपको उसी को मार्क करना है। कब लिखी गई थी, 1890 में लिखी गई थी और 1820 में शायद पब्लिश हुई होगी, है ना, 1820 में ये पब्लिश हुई होगी। चलिए नेक्स्ट पे चल रहे हैं। विंटर इज कम एंड गॉन बट ग्रीफ रिटर्न्स विद द रिवॉल्विंग ईयर, मतलब विंटर तो जो है चली जाती है लेकिन जो ग्रीफ है वो फिर से वापस आ जाता है ईयर में। तो यहाँ पे ये शैली की एडोनिस में है ये लाइन, कीट्स की एंडीमियन में है, टेनिसन की मेमोरियम में है, या फिर अर्नोल्ड्स डोवर बीच, कहाँ पर आपको ये लाइन मिलेगी ये बताना है आपको, ठीक है। जल्दी से देखिए किस में मिलेगी, तो यहाँ पे अगर हम बात कर लेंगे तो ये हमको मिलती है गाइज, बहुत गला खराब हो रहा है, चले जल्दी से बता दीजिए कहाँ पर मिलेगी। हाँ शैली की एडोनिस में, राइट, शैली की एडोनिस में आपको ये लाइन मिलती है, विंटर इज कम एंड गॉन, और एडोनिस है ना जो जॉन की इसकी डेथ पे इन्होंने लिखी थी। हाउ डज शैली इन हिज ऑड टू द वेस्ट विंड कंपेयर हिमसेल्फ टू द विंड। यहाँ पे ये कह रहा है कि शैली अपने आप को विंड से कैसे कंपेयर करता है, हाउ कैसे कंपेयर करता है, एज ट्यूमुलस माइटी एंड हार्मोनियस, एज टेमलेस स्विफ्ट एंड प्राउड, मतलब कौन सी क्वालिटीज़ हैं वेस्ट विंड में जो शैली में भी हैं, तो वो अपनी कौन सी क्वालिटीज़ को वेस्ट विंड से कंपेयर करता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा, टेमलेस और स्विफ्ट और प्राउड, मतलब घमंडी भी है, तेज भी है और टेमलेस भी है, ओके निडर भी है, तो ये सारी क्वालिटीज शैली अपने आप में भी मानते हैं जो कि वेस्ट विंड के अंदर है। चलिए इन द लास्ट स्टैंजा ऑफ हिज ऑड टू द वेस्ट विंड शैली इन्वोक्स द वेस्ट विंड, मतलब क्या कह के वो इन्वोक करते हैं, आवाहन करते हैं वेस्ट विंड को अपनी जो स्टैंजा की मतलब लास्ट स्टैंजा में, आसिज प्रोफेसी लायर या फिर कंपेनियन, वो अपनी लायर कह करके, ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पर, लायर कह करके वो उनको संबोधित करते हैं, ठीक है। इन द लास्ट स्टैंजा ऑफ हिज ऑड टू द वेस्ट विंड शैली इन्वोक द वेस्ट विंड टू मेक हिम हिज लायर, इन दिस लास्ट स्टैंजा द पोएट बिकम्स द विंड्स इंस्ट्रूमेंट, ओके हिज लायर, दिस इज अ सिंबल ऑफ द पोएट्स ओन पैसिविटी टुवर्ड्स द विंड, ही बिकम्स हिज म्यूजिशियन एंड द विंड्स ब्रेथ बिकम्स हिज ब्रेथ, ओके। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आर ड्राइवन लाइक घूस्ट फ्रॉम एन इन इनचेस्टर फ्लीटिंग, हु ओवर ड्राइवन लाइक घूस्ट इन ऑर टू द वेस्ट विंड। तो यहाँ पे ये लाइन की बात जो कर रहे हैं, तो इसमें जो घूस्ट कहा गया है तो वो मतलब किस तरीके से घूस्ट कहा है वेस्ट विंड को, और टू वेस्ट विंड में, तो यहाँ पे अगर ऑप्शन होगा आपका वेस्ट विंड को, द डील लीव्स को, डेड लीव्स को, द विंग्ड सीड्स को, या फिर क्लाउड्स की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, द डेड लीव्स की बात हो रही है यहाँ पे, वेस्ट विंड को मत लगा देना, डेड लीव्स की बात हो रही है, यानी कि बी ऑप्शन इज ट्रू हियर, बी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। तो चलिए ठीक है, द ऑड टू द वेस्ट विंड हैज कितने स्टैंजा हैं इसके अंदर, 4 स्टैंजा, 6 स्टैंजा, 5 स्टैंजा, या फिर 7 स्टैंजा, कितने स्टैंजा आपको मिलते हैं इस पोयम के अंदर। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा,
फाइव स्टेंज आपको मिलते हैं और टू द वेस्टर्न में. कब आई थी? 18 अगर और टू द वेस्टर्न रिटन बाय पीबी शेली, हाँ चलिए 1819 में लिखी गई थी. कब? 1819 में, और 1820 में पब्लिश हुई थी, फिर से बता दिया मैंने. चलिए लास्ट क्वेश्चन है, और इससे पहले वीडियो ख़त्म हो जाए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, प्लीज़ रिक्वेस्ट है बहुत ज़्यादा आपसे. तो द फर्स्ट इमेज दैट शेली विजुअलाइज इन द ऑर टू द वेस्ट इंडीज, सबसे पहली जो इमेज वो विजुअलाइज करती है तो वो कौन सी है? एन एनचेंटर है, अ फियर्स मैन, मीनेड द ब्लू ये क्या है, हाँ मेडिटेरियन, या फिर कॉमरेड ऑफ हिज वॉन्डरिंग. तो कौन सा इसमें सही आंसर होगा? ऑप्शन ए इज राइट हियर, एन एनचेंटर में सबसे पहले यहाँ पे विजुलाइज करता है. ओके चलिए गाइस, तो यहीं तक का हमारा सफर था. नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मुलाकात होगी, कल ही मुलाकात होगी आपसे. ठीक है, तब तक के लिए ओके बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए.